सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि इनका खाना वहाँ से किसी ने चुरा लिया था। अरलू के पिता अरलू को काम देते हैं और कहते हैं कि जिसने भी हमारा खाना चुराया है उसे तुम्हें पकड़ना हो, और अगर तुम इस काम में कामयाब हो जाते हो तो तुम भी अपने फुटप्रिंट को यहाँ पर लगा सकते हो। अब अरलू किसी भी कीमत पर चोर को पकड़ना चाहता था। अरलू चोर को पकड़ने के लिए अपने पिता के साथ यहाँ पर जाल बिछाता है और अरलू यहाँ पर देख रेख कर रहा था। तभी वहाँ पर एक जंगली चाहता है जो एक बार फिर से इनका खाना चुराना चाहता था, लेकिन वो बच्चा अरलू ने बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। तो वो अरलू से कहता है कि मुझे यहाँ से छोड़ दो, लेकिन अरलू के पिता ने कहा था कि तुम्हें उसे मारना होगा, पर अरलू उसे नहीं मार पाता और अरलू उसे छोड़ देता है। और जब अरलू के पिता को ये बात पता चलती है तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें डरना छोड़ना होगा। इसके बाद वो अरलू को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो जंगली बच्चे को पकड़ सके। चलते चलते यह एक घाटी में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर बिजली चमकती है, बारिश भी शुरू हो जाती है। अरलू के पिता कहते हैं कि हमें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन नदियों का पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए अरलू के पिता अरलू को चट्टान के ऊपर चढ़ा देते हैं। और जब वो खुद ऊपर आने की कोशिश करते हैं तभी नदी का पानी उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाता है, जिससे अरलू के पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अरलू घर आ जाता है। अपने पिता की मृत्यु को लेकर अरलू बहुत उदास हो जाता है। अरलू एक दिन खाना जमा कर रहा होता है तभी वो जंगली बच्चा एक बार फिर से दिखता है। अरलू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नदी में गिर जाता है और अपने घर से काफी दूर पहुंच जाता है। वहाँ पर उस जंगली से दोस्ती होती है और दोनों अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी फिर से वैसा ही तूफान आता है जिसमें अरलू के पिता की मौत होती थी। अरलू डर के मारे वहाँ से भागने लगा है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। अगले दिन वो अपने घर का रास्ता भटक जाते हैं। तभी पक्षी का झुंड उसके ऊपर हमला कर देता है। अरलू भागने लगता है, भागते भागते उसे बड़े डायनासोर दिखाई देते हैं जो अरलू को बचा लेते हैं। अरलू अपने घर के पास की नदी के बारे में पूछता है तो बड़े डायनासोर अरलू को कहते हैं कि हमारा भैंसों का झुंड खो गया है, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। तभी अरलू कहता है कि मेरे साथ जो बच्चा है वो सुनकर बता देता है कि वो कहां गई। उसके बाद उसे भैंसों का झुंड मिल जाता है और बड़े डायनासोर उनसे नदी का रास्ता बता देते हैं। फिर अरलू नदी के रास्ते से अपने घर पर आ जाता है और उसका परिवार उसे गले लगा लेता है। अरलू यहाँ पर अपने पापा का सपना पूरा कर लेता है जो कि फुटप्रिंट लगाने का था।